सौरभ तो 90 वाला नहीं, उसमें थोड़ी तरमीम, थोड़ा अवतार बदला हुआ, पर मुद्दे वही, आत्मा वही। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होती दिख रही है क्या आने वाले दिनों में? सीधी बिल्कुल। संदीप जी, यह बहुत साफ है कि समाज में, देश में प्रत्येक व्यक्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, उस तक, उन तक रोजगार, उनको भोजन पानी, आवास और मूलभूत सुविधा प्राप्त हो, मिले, इसके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका कल्याण, सबका साथ, सब जगह रोशनी पहुंचे विकास की, इस रचना को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके और इस योजना को लेके केंद्र की और राज्य सरकार की नीतियां होती हैं। उसी नीतियों के आधार पर देश को और प्रदेश को आगे लेके जाना होता है। इस नाते समाज में सब जगह सब कुछ पहुंच सके, दलगत राजनीति, जातिगत बातों से उठ के और मुख्य धारा में लाने के लिए पिछड़े, वंचितों, दलितों, उसके लिए उनकी पहचान, उन्हें चिन्हित करना भी तो जरूरी हो जाता है। सौरभ, चिन्हित तो करोगे, पता तो लगे कौन पीछे रह गया, कौन वंचित है, कौन गरीब है, यह जरूरी नहीं क्या उनकी पहचान करना? वही उसी बिल्कुल जरूरी है। इसलिए ही आरक्षण का प्राविधान था, बाबा साहब अंबेडकर का की जो परिकल्पना थी और जो भारतीय संविधान है, वह इसीलिए है कि जो मुख्य धारा से वंचित हैं, जो मूलभूत आवश्यकता के लिए नितांत जरूरी उनके लिए है, ऐसे वर्ग को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी दिया जा सकता है, जो भी शासन तो सरकार किया वो ठीक किया, उनकी पहचान की आर्थिक सामाजिक आधार पर भी, जातिगत जनगणना की, और अब 75% आरक्षण दे रहे हैं। संदीप जी, बहुत सही आपने अपने ही प्रारंभ की बातों में इसका उत्तर दे दिया था कि बिहार सरकार पर सवाल क्यों खड़ा हुआ। इसलिए खड़ा हुआ कि न बही, न खाता, न वहां मोहल्ले में जाना, न आसपास में, न किसी को पता, और जो मर्जी जहां फाइल से तय हो गया कि फला फला फला, लेकिन कुछ सत्यता आए तो और अच्छा बीजेपी ने समर्थन क्यों कर दिया? 75% आरक्षण के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से मंजूरी क्यों दे दी? मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, सवाल भी उठाएंगे और समर्थन भी करेंगे? बिल्कुल नहीं संदीप जी, समाज के अति पिछड़े वर्गों के लिए और समाज हित में बात करने के लिए और समाज के उन वंचित वर्ग को आगे लाना, यही तो सेवा है। सेवा भाव ही राजनीति है, न कि तुष्टिकरण, न कि जातिवाद और न कि सेवा दूसरे करें तो वो तुष्टिकरण। 80 करोड़ लोगों को, एक मिनट, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अब अगले 5 साल के लिए दिया जाएगा, कोई पैमाना है, कोई वजह है, ये कोई पहचान की गई कि कौन से वो 80 करोड़ लोग हैं? वो या तो भूखे पेट सोएंगे अगर 5 किलो अनाज नहीं मिला। इसका कोई डेटा तैयार है आपके पास? यही बात समझने की जरूरत है। देखिए संदीप जी, सरकार की नीतियां इसीलिए होती हैं कि जरूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित करना। सरकारी 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ना मिले, भूखे पेट सो जाएंगे, यही तो नीतियां हैं, यही तो कार्य है। 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखे पेट सो जाएंगे, सोने पर मजबूर होंगे। कौन कहता है? बिल्कुल नहीं, तो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं ना अगले 5 साल के लिए। संदीप जी, निश्चित तौर पर जो जरूरतमंद लोग हैं, सब जिनको आवश्यकता है समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके प्रति सरकार गंभीर है और सरकार को आना चाहिए। और ऐसी सेवा भाव कोई भी दल करे, कोई भी मुख्यमंत्री करे, किसी भी दल का हो, उसके साथ कोई सेवा भाव वाले दल सदैव खड़े रहेंगे। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने बिहार में यही कार्य किए। वो किया तो मतलब ठीक किया नीतीश कुमार ने, वही तो पूछ रहा हूं मैं, या यही लड़ाई है ये मंडल बनाम कमंडल की? मैं भी बता रहा हूं। अब दोनों मंडल, बीजेपी मंडल भी थामे बैठी है, कमंडल भी, और विपक्ष भी, मंडल का हाथ तो था ही, मंडल पर हाथ तो था ही, अब साथ में कमंडल भी लेकर चलने पड़े। बस 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 सुन लीजिए,
संदीप जी, एक समाज को टूटने नहीं देना, समाज को बंटने नहीं देना, दलगत तुष्टिकरण की राजनीति से बचाना और सेवा भाव से सभी लोगों को मुख्य धारा में लाना, यही राजनीति में सेवा भाव होता है। मुझे लगता है जो पिछले दिनों डेटा आया, जिस पर लगातार आप भी बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं, गृह मंत्री जी ने सवाल खड़ा किया, वो बात यूं ही नहीं है, वो बात इसलिए थी और इसलिए है कि उसका कहां क्या प्रमाण था। पर ये बीजेपी की उदारता होगी, ये बीजेपी की उन समाज के वंचित लोगों के, छोटे लोगों के, जहां पर तो जातिगत जनगणना केंद्र सरकार को भी करानी चाहिए, उनको मुख्य धारा में लाने केंद्र को भी करानी चाहिए, वो तो मांग कर रहा है विपक्ष अब। ये बड़े मन की स्वीकृति, हाँ तो बड़े मन की स्वीकृति सिर्फ बिहार तक क्यों महदूद रहे, पूरे देश में लागू होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल क्यों नहीं, आरक्षक आरक्षण के पक्ष में तो जातिगत जनगणना होगी ना पहले, मूलभूत जरूर जो पिछड़े, इनको इनमें और सुधार करने की जरूरत है। बिहार सरकार को चाहिए इसको और ईमानदारी से और स्पष्टता से उन लोगों का हितैषी जो है जिनके और लिए केंद्र सरकार को भी अब उनके राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना करानी चाहिए। अभी तो जनगणना शुरू कहां हुई है, मई में होगी ना अगले साल, वो तो विलंब से चल रहा है काम कोरोना के चलते। मई में जो 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 बिहार की स्थिति है उसके संदर्भ में ये बहुत साफ है कि आप बैठे बैठे चीजों को दे रहे हैं, उसकी भलाई के लिए, उसकी रुकावट के लिए और जनता के मूलभूत आवश्यकता वो भी शेष रह न जाए, इसके लिए मुझे लगता है बड़े मन का ये परिचय भी है बीजेपी वहां। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।